गुड मॉर्निंग बच्चों, कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 6 मानव संसाधन। जिसमें आज हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व। किसी भी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रमाण जनसंख्या घनत्व है। यानी कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का जो प्रमाण होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जिसमें प्रति किलोमीटर में औसतन जितने लोग निवास करते हो उसे वहाँ की जनसंख्या घनत्व कहा जा सकता है। जनसंख्या घनत्व भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। दुनिया के सभी देशों में जनसंख्या का भिन्न प्रमाण है, यानी कि अलग अलग प्रमाण में है। हमारे देश में विविध प्रदेश या क्षेत्र में जनसंख्या का प्रमाण समान नहीं है। नदी किनारे के मैदान, धार्मिक स्थान, यात्रा धाम, औद्योगिक क्षेत्र, डेल्टा प्रदेश के उपजाऊ क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है, जबकि पहाड़ी प्रदेश, रेगिस्तानी प्रदेश या जंगल के क्षेत्र में उन प्रदेशों की प्रतिकूलता के कारण जनसंख्या का घनत्व कम होती है। अब है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले तत्व। जनसंख्या घनत्व पर पर्यावरण के विविध तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि स्थान की ऊंचाई, ठंडी गर्मी का प्रमाण, भूपृष्ठ, फसल, खनिज, पानी, ऊर्जा और उसकी प्राप्ति के अलावा परिवहन, संदेश व्यवहार, सुविधा, शिक्षा, आरोग्य, औद्योगिकरण, रोजगार के अवसर और आधुनिक टेक्नोलॉजी से आर्थिक विकास वृद्धि में जनसंख्या घनता के साथ जुड़ी हुई है। अधिक जनसंख्या वाले राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश है। कम जनसंख्या वाले तथा केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप समूह, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब है जन्म दर। किसी भी निश्चित क्षेत्र में प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बालकों की संख्या को हम जन्मदर कहा जाता है। जन्मदर किसे कहते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बालकों की संख्या को हम जन्मदर कहते हैं। भारत में पिछले कई वर्षों से जन्मदर का प्रमाण कम होता जा रहा है। लोग कुटुंब नियोजन अपनाने लगे हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अभाव, आरोग्य विषयक सेवा का अभाव, गरीबी, बेकारी, परिवार नियमन की समझ का अभाव देखने को मिलता है, इसलिए जन्म दर का प्रमाण ऊंचा रहता है। मृत्यु दर। किसी भी निश्चित क्षेत्र में प्रति 1000 आबादी पर एक वर्ष में मरने वालों की संख्या को हम मृत्यु दर कहा जाता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही है, इसलिए मृत्यु दर को शून्य पर नहीं लाया जा सकता। फिर भी संशोधन, डॉक्टरी उपचार, दवा, रोग नियंत्रण, आधुनिक टेक्नोलॉजी से मृत्यु दर नीचे लाई जा सकती है। स्थानांतरण। मानव आबादी एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास में परिवर्तन कर उसे स्थानांतरण कहा जाता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने चली जाती और वहाँ के निवास में परिवर्तन करे तो उसे स्थानांतरण कहते हैं। अपनी आजीविका और विकास के लिए मनुष्य को विविध प्रवृत्तियाँ करनी पड़ती हैं, जिनमें से सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएँ जन्म लेती हैं। अर्थात मनुष्य अपने अनुकूल स्थान को पसंद करके निवास करता है और समय समय पर परिवर्तन भी करता रहता है, जैसे कि शिक्षा, व्यापार, उद्योग, रोजगार, व्यवस्था जैसे कारणों से ग्राम में आबादी शहर की तरफ आकर्षित होती है।
वर्तमान समय में गुजरात में 62% ग्राम्य क्षेत्र में और 38% शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। बस्ती का स्तर कुल जनसंख्या के विविध समूहों में किए गए वर्गीकरण को हम बस्ती स्तर कहते हैं, यानी कि कुल जनसंख्या के अलग अलग समूहों में किए गए वर्गीकरण को हम बस्ती स्तर कहा जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष का वर्ग, उम्र का वर्ग, वर्ग साक्षरता के प्रमाण का वर्ग, ग्राम्य शहरी आबादी का वर्ग, धार्मिक तथा भाषिकीय वर्ग, व्यावसायिक वर्ग का समावेश होता है। अनेक वर्ग के अनुसार जानकारी प्राप्त करने के लिए बस्ती का ढांचा जानना आवश्यक है। आयु वर्ग, देश की कुल आबादी में बालक, प्रौढ़ तथा वृद्ध नागरिकों का समावेश होता है, जिसे आयु वर्ग में बांटा गया है। बालकों का वर्ग 0 से 14 वर्ष, पौंड लोगों का वर्ग 15 से 59 वर्ष, वृद्ध लोगों का वर्ग 59 से अधिक उम्र वाले। इन तीन आयु वर्ग में मुख्य अंतर बालक और वृद्ध नागरिकों की आबादी में है। कुल आबादी का 3 से 4% बालक होते हैं, जबकि वृद्ध नागरिक 60% जितने हैं, बाकी प्रौढ़ हैं। स्त्री पुरुष का प्रमाण, लिंग का अनुपात अर्थात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या, जिसे लैंगिक अनुपात भी कहा जाता है। हमारे देश में 1951 के बाद से लैंगिक अनुपात क्रमशः कम होता जा रहा है। साक्षरता, किसी भी देश के विकास का आधार देश की साक्षरता की मात्रा पर आधारित है। साक्षरता आबादी की गुणवत्ता और सामाजिक विकास को मापने का महत्वपूर्ण मापदंड है और देश के विकास की चाबी है। 1991 की जनगणना के समय साक्षरता का मापदंड निश्चित किया गया है। उसके अनुसार 6 वर्ष के अधिक उम्र के कोई भी व्यक्ति कोई भी एक भाषा पढ़ लिख और समझ सके तो साक्षर या अक्षर ज्ञान व्यक्ति माना जाएगा। भारत में साक्षरता का प्रमाण क्रमशः बढ़ता जा रहा है और यह एक अच्छी बात है। व्यावसायिक ढांचा, देश की कुल जनसंख्या में से विविध व्यवसाय में लगे हुए लोगों को व्यवसाय समूह में समावेश किया जा सकता है। उनमें काम करने वाला समूह, काम ना करने वाला समूह, इस तरह से 2 भाग होते हैं। देश में तेजी से होने वाले औद्योगिकरण में काम करने वाला समूह बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या में परिवर्तन, देश की आबादी में 2 प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। संख्यात्मक परिवर्तन, कहीं कहीं आबादी में कमी या अधिकता देखने को मिलती है। आबादी वृद्धि दर और स्थानांतरण के कारण ऐसा होता रहता है। इसके अलावा भूमिहीन लोगों की स्थिति, कम जमीन प्रमाण, शहरीकरण और सामाजिक और व्यवस्था तंत्र के कारण आबादी में कमी वृद्धि होती रहती है। गुणात्मक परिवर्तन, व्यक्ति का विचार और स्वभाव, रहन सहन, जीवन शैली में आने वाला परिवर्तन ही गुणात्मक परिवर्तन होता है। उसके पीछे उद्यम, राष्ट्रीय भावना, उत्साह, साहस आदि जवाबदार कारण होते हैं, जिससे व्यक्ति के वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में कितने ही परिवर्तन आते हैं। अभय धार्मिक समूह, भारत सर्वधर्म संभाव रखने वाला देश है, जिसमें सभी धर्मों का समावेश होता है। इसमें प्रत्येक धर्म का पालन करने वाली प्रजा निवास करती है, जिसमें हिंदू धर्म का पालन करने वाली प्रजा अधिक है। इसके बाद क्रमशः इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म का पालन करने वाले लोग रहते हैं। अभय भाषकीय समूह, भारत बहुत बड़ा और विविधता वाला देश है। इसमें अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। संविधान के अनुसार वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा का स्थान दिया गया है। भारत में राज्यों की रचना भाषा के आधार पर हुई है। स्वास्थ्य समूह,
मानव का आरोग्य अर्थात शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तत्वों के साथ समृद्धि को आरोग्य कहा जा सकता है। उत्तम स्तर का आरोग्य राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाता है। अभय, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। देश की जनसंख्या ही देश की शक्ति है। मानव संसाधन शिक्षित और प्रशिक्षित, स्वास्थ्य और शक्तिशाली होगा तो ही देश का विकास होगा। मानव शक्ति का उपयोग देश के विकास में महत्वपूर्ण कार्य करता है। विश्व के विकास करने वाले देशों के सामने खड़े रहने और गतिशीलता लाने के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा और देश की समृद्धि में मानव शक्ति के मूल्यों को प्रधानता देनी पड़ेगी। देश के विकास को रोकने वाले तथ्यों को नियंत्रित करना पड़ेगा। इसलिए जनसंख्या विस्फोटक को नियंत्रित करने के लिए 1951 से निश्चित की गई जनसंख्या नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करना ही पड़ेगा। जनसंख्या नीति के भाग रूप अनेक योजनाएं जैसे पोषक आहार योजना, माता शिशु सुरक्षा व उपचार योजना, स्वच्छ पानी, विद्यालय, आरोग्य कार्यक्रम, बाल अधिकारों की रक्षा जैसे पहलुओं को गतिशील बनाना पड़ेगा और पंचवर्षीय योजनाओं में भी जनसंख्या नीति को नज़र के समक्ष रखकर बनाना पड़ेगा। हम सभी उसमें जागृत होकर सहयोग देकर अपना योगदान देने के लिए कटिबद्ध बने। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, शारीरिक मानसिक समृद्ध नागरिक ही समृद्ध देश। कम बाल जय गोपाल। हम दो, हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। इसका स्वाध्याय आपको होमवर्क में करना होगा और प्रश्न इसके याद करने होंगे।